देखिए अभी मोटोरोला जल रहा है, ऐसा क्यों? फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इस सेल में मोटोरोला के फोन में बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। मोटो जी 84 का जो नॉर्मल प्राइस है 12GB 256GB वेरिएंट 12,000 रुपीस में मिलता है, लेकिन बीबीटी सेल में मोटो जी 84 आपको मिलेगा 17,000 रुपीस में। आज इस वीडियो में मोटो जी 84 का लॉन्ग टाइम रिव्यू शेयर करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा बिग बिलियन डे सेल में 17,000 में ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है कि नहीं, या इससे आदर्श कोई भी बेटर फोन है कि नहीं। डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, प्रीमियम डिजाइन है, क्लासिक लुक देता है, बहुत सारे ऑफिस में काम करते हुए लोगों को ये फोन पसंद आएगा। मेरे पास ब्लैक कलर है और इतना अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है क्या ही बताऊं। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, 168 ग्राम के आसपास है, इतना ज्यादा लाइट वेट है ना, बहुत ही कंफर्टेबली आप लोग यूज कर पाओगे। IP54 रेटिंग भी दिया गया है, 6.5 इंच का पीओएलईडी डिस्प्ले है। मैंने बहुत सारे मूवी वगैरह जब देख रहा था ना, एक्सपीरियंस मुझे दोस्तों सच में काफी अच्छा मिला। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम तक मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं सब कुछ बता रहा हूँ। पीओएलईडी डिस्प्ले मोटोरोला का काफी अच्छा है, एक्सपीरियंस आपको बेटर प्रोवाइड कराएगा। ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ साथ स्मूथ एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराएगा। 1300 निट्स ब्राइटनेस है, कड़ी धूप में भी अच्छी तरीके से विजिबल रहता है इसका डिस्प्ले। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिलता है, 3,41,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है। गिग बेंचमार्क 6 को मैंने रन किया था, स्कोर एवरेज है, और मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग को भी मैंने टेस्ट किया था, ग्राफ अगर देखोगे एवरेज ग्राफ निकाल के दिया है। बीजीएमआई इस फोन में स्मूथ एंड अल्ट्रा सेटिंग और एचडी एंड हाई सेटिंग करके खेल पाओगे। मैं स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग करके ज्यादातर टाइम बीजीएमआई खेला हूं, एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक ही मिला है। दोस्तों ये गेमिंग फोन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, नॉर्मल यूजर्स के लिए है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑफिस में काम करते हुए लोगों को ये फोन ज्यादा पसंद आएगा। एक तो दिमाग में प्रेशर रहने की वजह से वो सारे भाई लोग ज्यादा गेम नहीं खेल पाते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं, तो उन लोगों को ये फोन बहुत पसंद आएगा और उन लोगों के लिए ही है। फिर भी इस फोन का डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना हो, हमारे गेमिंग चैनल में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे क्लियर करके बताया हूँ इस फोन में कितना अच्छा गेम चलता है। नॉर्मल यूजर्स में तो मुझे कुछ भी दिक्कत दिखाई नहीं दिया, एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोज स्मूथ होता है, इसका जो एनिमेशन है वो भी स्मूथ है, लैग नहीं करता है। स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, प्री इंस्टॉल कुछ भी बेकार एप्लीकेशन है ही नहीं। जो सारे भाई लोगों को क्लीन यूआई पसंद है, ये फोन आप लोगों के लिए ही है। ऊपर से सिक्योरिटी को और भी बढ़ाने के लिए सिक्योर फोल्डर भी दिया गया है। मोटो का एक एप्लीकेशन मिलता है, उस पर बहुत सारे फीचर्स भी भर भर के दिया है। हमारे पास 12GB 256GB वेरिएंट है, रैम मैनेजमेंट भी इसका तगड़ा है, हर एक एप्लीकेशन को रैम में अच्छी तरीके से रखता है। और दोस्तों एक दो अपडेट आने के बाद इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा हो चुका है पहले से। कैमरा में भी मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कैमरा दोस्तों सच में इसका काफी अच्छा है और जनरली मोटो का कैमरा अच्छा होता ही है। डायनामिक रेंज में बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ह्यूमन सैंपल में डिटेलिंग मस्त है ही, ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब आप लोग नॉर्मल सैंपल खींच रहे हो, कोई भी ह्यूमन सैंपल, बैकग्राउंड में जो पेड़ या जो स्काई वगैरह रहेगा या जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा स्लाइटली दोस्तों ब्लरिश टाइप कर देता है, तो ये मैंने नोटिस किया हूं। लेकिन प्रोटेट मोड में जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है, एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा है, कलर को स्लाइटली बूस्ट करता है मोटोरोला। यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर का सैंपल यहाँ पे चेक कर लीजिए। सेल्फी कैमरा में भी ये फोन मायूस नहीं करेगा, बेटर एक्सपीरियंस है, क्वालिटी तो अच्छा है ही, साथ ही में डिटेलिंग भी मस्त है, ज्यादा ब्यूटी भी नहीं करता है फेस को। इवन बैकग्राउंड में जो स्काई या ऑब्जेक्ट का जो डिटेलिंग है सेल्फी कैमरा में, वो मुझे काफी अच्छा लगा। सेल्फी कैमरा का प्रोटेट मोड भी मस्त है, एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छा है। 5000 एमएच का बैटरी है, नॉर्मल यूजर्स में एक दिन आराम से निकाल के दे देगा, हेवी यूज करोगे 7 घंटे के आसपास निकाल के देगा। देखिए इसका मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था, 100% से 0% तक, इस फोन के साथ बहुत सारे फोन था, तो सारे वीडियो देखने के लिए कार्ड में लिंक है, एक बार जरूर चेक कर लेना। 30W का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया है, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा 0% से 100% तक। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पे दिया गया है, 3.5mm जैक का ऑप्शन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है, डॉल्बी एटमॉस साउंड का सपोर्ट भी दिया गया है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम तक यूज करने के बाद इस फोन में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम दिखा ही नहीं दिया। ऑब्वियसली गेमिंग फोन ये नहीं है, नॉर्मल यूजर के लिए ये फोन बनाया।
बनाया गया है, लेकिन इसका रैम मैनेजमेंट तगड़ा है और रैम 12GB होने की वजह से इस फोन को आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा। 17,000 प्राइस आ जाएगा बिग बिलियन डे सेल में और 17,000 में आप लोग इस फोन को उठा सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के पास ये फोन है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आप लोगों को कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और अगर नहीं है तो बिग बिलियन डे सेल में इस फोन को खरीदोगे कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, लाइक जल्दी दबा दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।